स्टूडेंट, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप रेडी हो जाइए, तो वर्ड प्रॉब्लम के बाद क्वाड्रेटिक जो चैप्टर है आपका वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन लेते हैं। इसके लिए क्वेश्चन मैंने पहले से कलेक्ट नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3। फाइंड द नंबर, यही क्वेश्चन है। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। यह हुआ कि नंबर है और उसके रेसिप्रोकल का सम कितना है, 10/3 है, तो हमको फाइंड करना है नंबर क्या हो। लेट द नंबर, नंबर एक्स हो जाएगा। नंबर एक्स हो जाने के बाद रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का है नंबर प्लस रेसिप्रोकल का वैल्यू कितना है, 10/3। एलसीएम कर लेते हैं। पहले से इसमें एक स्टेप ज़्यादा करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और इक्वेशन बनाना है। अब तक आपको इक्वेशन दिया हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x² + 3 = 10x, तो ये हो जाएगा 3x² - 10x + 3 = 0। ये मल्टीप्लाई करके 9 प्लस करके 10 आसानी से बनाया जा सकता है। आपको आता है 9 और 1 होगा, कॉमन ले लेते हैं 3x, तो ये x - 3 और ये 1 लेंगे तो x - 3। यहाँ से x - 3 और 3x - 1 = 0। अब हम जो वैल्यू यहाँ यहीं पे निकाल लेते हैं, क्या x - 3 = 0, 3x - 1 = 0, 3x = 1, x = 1/3। ये हो जाएगा, x का दो दो वैल्यू आया। अब क्या कहता है, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे x का 3 वैल्यू भी पॉसिबल है और 1/3 भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएगा 3 and 1/3। यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल है, इसलिए दोनों हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिवाइड 12 into 2 parts such that the sum of their squares is 74। 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो फर्स्ट पार्ट ले लेंगे x, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया x हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा सेकेंड पार्ट 12 - x। देखिए लाइट ज्यादा आ रहा है मुझे लगता है, तो ये नंबर x और 12 - x हो गया, दो पार्ट आपका था। क्या द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर करना है और फिर सम कर देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x है उसका स्क्वायर,
और जो 12 माइनस 6 है उसका स्क्वायर और इन दोनों का सम कितना 74। तो ये एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 74 होगा आपका। 2x स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 24x। तो इसको हम लोग एक तरफ लाते हैं सबको, क्या होगा ये 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 70। अब आपको 2 कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए ये 2 तो 0 में जाएगा, 0 बाई 2 0 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर माइनस 12x 35 इक्वल टू 0, ये भी सिंपल नंबर आ गया, मल्टीप्लाई करके 35 प्लस करके 12 7 और 5, ये तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको दो आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 7 x इक्वल टू 5। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 5 दोनों पॉजिटिव ही आएगा। पूछ क्या रहा है, 12 पार्ट्स दोनों वैल्यू पॉसिबल है, 7 भी और 5 भी। क्या होगा जब केस वन ले लेते हैं, केस वन व्हेन x इज इक्वल टू 7, जब x 7 होगा तो दूसरा नंबर क्या है, ये फर्स्ट नंबर x। व्हेन x इक्वल टू 7 मतलब फर्स्ट नंबर अगर 7 होगा तो सेकंड क्या होगा, 12 माइनस 6 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो आंसर क्या होगा, 7 और 5। ठीक है, केस टू ले लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 7 भी है 5 भी है। तो जब x का वैल्यू 7 लेंगे तो दूसरा नंबर 5 होगा, जब x का वैल्यू 5 लेंगे तो दूसरा नंबर क्या होगा, 12 माइनस 6 12 माइनस 6 मतलब ये आंसर हो सकता है। क्लियर, फर्स्ट नंबर 7 है तो सेकंड 5 होगा, या फर्स्ट 5 है तो सेकंड 7, दोनों ही पॉसिबिलिटी बन गया इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज and the sum of their reciprocal is 3/10, find the numbers। यही आपका क्वेश्चन है कि नंबर फाइंड करना है, दो नंबर का सम 15 है, या कॉमन सेंस लगाइए, अगर 15 रुपये है दो आदमी में बांट सकते हैं, पहले को 5 रुपये तो दूसरे को कितना 15 माइनस 5, पहले को x तो दूसरे को 15 माइनस 6, फर्स्ट क्या होगा x, सेकेंड क्या होगा 15 माइनस 6, दोनों को जोड़ दीजिए 15 आ जाएगा। ऐसे ही करना है क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है, इसमें आपको एक ही वेरिएबल चाहिए, एक ही वेरिएबल चाहिए, इसीलिए एक्स वाई लेट एक्स प्लस वाई 15 नहीं लिखे है, एक्स लिए दूसरा 15 माइनस 6 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये कि लिखा हुआ है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो जो एक्स है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x और इसका रेसिप्रोकल 1/15 माइनस 6 इज इक्वल टू 3/10। अब आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके, पहले या दूसरा पार्ट रहा हुआ पढ़े, ठीक है, एलसीएम क्या होगा x इंटू 15 माइनस 6 से ये कट गया, ये रहा 15 माइनस 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3/10। देखिए x से x कट गया, तो क्या होगा 15/15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10। देखिए ये कट गया, कटने वाला तो कटा लीजिएगा क्योंकि नंबर छोटा आएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10/50, ये निगेटिव है, उधर ही सबको ले जाते हैं, माइनस गया प्लस में, प्लस गया ये तो उधर ही है, मल्टीप्लाई करके 50 प्लस करके 15, 10 और 5 10 और 5 10 तो 50 10 5 15
पता है कर दिए। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कि x का वैल्यू आएगा 10 और x का वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आ गया x का 10 और 5। ठीक है, तो फिर से इसी के जैसा दो केस हुआ। केस वन क्या लेंगे, केस वन लेंगे मैंने x इक्वल टू 10। केस वन क्या होगा व्हेन x इक्वल टू 10, तो फर्स्ट x हो गया तो सेकंड 15 माइनस x है, तो सेकंड क्या होगा 15 माइनस x, 15 माइनस 10 5, तो ये 10 और 5 आंसर हो गए। आप यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे आपको x का वैल्यू है आप पुट करना है ना उसमें। बहुत लोग यहीं पे ले आए 10 5, यहाँ भी देखिए आंसर 10 5 है, बुक में भी 10 5 दिया रहता है, तो ये आया यहीं पे छोड़ देता है, ऐसा नहीं। यहाँ पे आप अधूरा काम करें। केस वन हो गया, केस टू लेना है व्हेन एक्स इक्वल टू 5, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 15 माइनस एक्स, 15 माइनस 5 ये 10। आंसर क्या हुआ 10 10.5 और 5.10, और आप टू ले लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं मतलब अधूरा होगा, कुछ स्टेप उसका बाकी रह गया, आपको मार्क्स कम मिलेंगे, फुल में फुल नहीं। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, अभी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, अभी का जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं, मेरे साथ पूरे भीग गए, फैन बंद करके वीडियो शुरू करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 421। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 421, फाइंड द नंबर्स। ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स, तो आपको नंबर फाइंड करना है। आपको मालूम है नेचुरल नंबर अगर है तो वो भी कैसा, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में कितने गैप होता है, एक का, तो पहला अगर 100 होगा तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, लेते हैं फर्स्ट नंबर एक्स, सेकेंड एक्स प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ, मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया था, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 421 हो जाएगा। ये होगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी हो स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, प्लस का 1 और माइनस 420 उधर से आया प्लस 2x, ये हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 420। तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 हो रहा लगता है, 2 को उधर भेज दिए, 600 प्लस एक्स माइनस 210 बिल्कुल 0। अब देखिए अगर लगता है आप फैक्टराइज कर पाते तो फैक्टराइज करिए, नहीं तो ए बी सी डी निकालिए, अल्फा निकालिए, बीटा निकालिए। तो ये फैक्टराइज मैं कर रहा हूँ, 15 और 14 इसका फैक्टर मिल गया है, तो ये 15x माइनस 14x माइनस 210, एक्स कॉमन, 14 कॉमन, यहाँ से क्या होगा एक्स प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 14 होगा, इक्वल टू 0। यहाँ से आपका वैल्यू क्या क्या आएगा, एक्स का वैल्यू माइनस 15 और एक वैल्यू 14, एक्स का दो वैल्यू आया। क्वेश्चन क्या कहता है, नेचुरल नंबर माइनस 15 तो नेचुरल नहीं है, मतलब माइनस 15 कैंसिल हो गए, रीजन क्या होगा, माइनस 15 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया माइनस 15 को, तो क्या होगा, देखिए एक्स इज इक्वल टू 14, एक्स 14 है तो पहला नंबर एक्स है और सेकेंड क्या होगा, सेकेंड एक्स प्लस 1 है,
तो ये 14 और 15 आपका आंसर हो गया, ठीक है। माइनस 15 की ओरिजिन जो आपको पता चल गया। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको आंसर कर देते माइनस 15 और 14 आंसर गलत। यहाँ से वैल्यू आने के बाद पुट करना है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसी में अगर इवन नंबर दिया रहता तो एक्स एक्स प्लस टू लेते होल स्क्वायर कर देते, ऑड नंबर भी रहता तो एक्स एक्स प्लस टू लेके होल स्क्वायर कर देते, क्योंकि आप जानते हैं कि इवन हो या ऑड हो दोनों में टू का गैप होता है, ये नेचुरल है। तो एक्स और एक्स प्लस वन लिए हैं, इवन रहेगा तो एक्स एक्स प्लस टू लेंगे, ऑड रहेगा तभी एक्स और एक्स प्लस टू लेंगे, ठीक है। और अगर कहेगा मल्टीपल ऑफ फोर तो एक्स लेंगे और एक्स प्लस फोर लेंगे, मल्टीपल ऑफ फाइव जितना भी कहेगा उतना ही बढ़ेगा, मल्टीपल ऑफ इलेवन तो पहला एक्स और दूसरा x प्लस इलेवन, मल्टीपल ऑफ सेवन एक्स और x प्लस सेवन। बात समझ में आ रही है, अगर थ्री मल्टीपल लेना पड़ा तो x, x प्लस सेवन और x प्लस फोर्टीन, अगर सेवन का मल्टीपल हो तो। समझ गए होंगे आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एरर आ गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन में ढूंढ लेता हूं। ये क्वेश्चन आपका टू डिजिट नंबर से रिलेटेड है। टू डिजिट नंबर हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में भी पढ़ा था, यहाँ भी उसी से रिलेटेड है। देखिए क्या है क्वेश्चन है, अ टू डिजिट नंबर इज फाइव टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड इज ऑल्सो इक्वल टू एंड इज ऑल्सो इक्वल टू फाइव मोर देन twice the product of its digits find the number होगा, ना छूट गया। देखिए क्या होगा, इसके लिए तो हम लोग बना चुके ऑलरेडी। यूनिट क्या लेते हैं, टेंस क्या लेते हैं, वाई। नंबर होता है 10y प्लस 6। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, टू डिजिट नंबर इज फाइव टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाते हैं ये टू डिजिट नंबर जो है सम ऑफ डिजिट का क्या है, फाइव टाइम्स। लिख दिए हम तो सॉल्व कर लेते, क्या होगा 10y प्लस 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। यहाँ से 10y माइनस 5y क्या होगा, 5y, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x हमें आ गया। ये भी हम इस रिलेशन को स्टॉप करते हैं और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड इज ऑल्सो इक्वल टू, मतलब टू डिजिट नंबर जो है फाइव टाइम्स सम ऑफ डिजिट के इक्वल है, और किसके इक्वल है, फाइव मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट। मतलब अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, ये जो नंबर है आपका ये डिजिट के प्रोडक्ट के ट्वाइस से फाइव ज़्यादा है तो क्या होगा, प्लस फाइव होगा, टू एक्स वाई प्लस फाइव। यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से फाइव वाई इज इक्वल टू फोर एक्स है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल के आपको वहाँ पुट करना होगा तभी होगा। क्या करते हैं हम, यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। वाई इज इक्वल टू क्या होगा, फोर एक्स बाई फाइव, y इज इक्वल टू फोर एक्स बाई फाइव है, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ डाल देते हैं, टेन का टेन y के जगह पे फोर एक्स बाई फाइव प्लस एक्स इक्वल टू टू एक्स इंटू वाई के बदले में फोर एक्स बाई फाइव प्लस फाइव, यही होगा। आगे सॉल्व करते हैं, लिख रहा होगा ये, लिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ उससे लिख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगा कि लिखेगा इसलिए मैंने लिख दिया। नेक्स्ट लेते हैं,
इसके बाद क्या होगा, देखिए 5 से 10 कट गया, 2 2 4 8x, तो ये आपका हो जाएगा 8x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 8x स्क्वायर बाय 5 प्लस 5, ये हो जाएगा 9x। इसको इधर लाते हैं या एलसीएम ही कर लेते हैं, एलसीएम तो करना ही पड़ेगा, एलसीएम 5 हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 25। अब सॉल्व करेंगे, क्रॉस में लिख लेंगे, तो ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 45x, 8x स्क्वायर माइनस 45x, मल्टीप्लाई करके 25 गुना 8 200 और प्लस करके 45 है क्या, मल्टीप्लाई करके 200 और प्लस करके 45 कोई नंबर, हाँ है तो 40 गुने 5 240 मैं तो सोच रहा था कहाँ आ गया नंबर 40x और 5x 8x 40x में 8x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 होगा, 5 कॉमन लीजिएगा x माइनस 5 होगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन में यहाँ तक आने के बाद छोड़ दो, आप खुद से सॉल्व करें, क्योंकि इसके बाद का इस प्रोसेस भी मैंने बता दिया, इसका वैल्यू आने के बाद क्या करना है आपको। तो ये आपका x माइनस 5 हो गया और 8x माइनस 5 हो गया, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ से आएगा 5/8, ठीक है। यही क्वेश्चन क्या पूछा है, टू डिजिट नंबर, डिजिट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, ये वैल्यू कैंसिल नेगलेक्ट हो गया, x का वैल्यू 5 ले लेंगे, टेकिंग x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 लेंगे तो y कहाँ से निकलेगा, इससे y इज इक्वल टू 4x बाई 5, नाउ वी हैव y इज इक्वल टू 4x बाई 5, सो 4 बाई 5 इंटू 5, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4 आ गया। अब तो नंबर आसानी से फाइंड किया जा सकता है, क्या है नंबर, नंबर है 10y प्लस 6, 10 इंटू y का वैल्यू है 4, कितना आंसर हो गया 45, समझ गया। नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ, अगला एग्जांपल है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, टू नंबर इज 180 क्वेश्चन, तो मैं शॉर्ट में कुछ कुछ लिख रहा हूँ, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर, फाइंड द, तो दोनों नंबर आपको निकालने हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्या होगा शुरुआत इस क्वेश्चन का, कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो नंबर ले लीजिए x y, पहला दूसरा दो नंबर हो गया, क्वेश्चन में कुछ और मेंशन कर दिया स्मॉलर, तो स्मॉलर कहा तो इन दोनों में से किसी को बड़ा लेना हो किसी को छोटा लेना, हमारी मर्जी, किसी को भी हम बड़ा छोटा ले सकते हैं, किसको लेना, तो इसको हमने ले लिया कि ये हमारा लार्जर है और ये है स्मॉलर, ठीक है। क्या बोला है, स्क्वायर का डिफरेंस, तो एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, ये तो यहाँ पे आके हम लोग रुक गए, इसके बाद क्या होगा, पढ़ना होगा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर क्या है वाई है, तो वाई का स्क्वायर किसके बराबर है, इज 8 टाइम्स द लार्जर, लार्जर है एक्स और इसका 8 टाइम, मतलब वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 8x है। अब इस इक्वेशन को लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू 8x है, तो यहाँ पर डाल सकते हैं,
मल्टीप्लाई करके 180 और माइनस करके 8 आता है 18 और 10। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ से x का वैल्यू 18 आएगा और माइनस 10 आएगा। यहाँ पे आपको दो नंबर x का वैल्यू दो दो पॉसिबल है, 18 और माइनस 10। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, सीधे टू नंबर बोला है तो चेक करना होगा आपको, चेक कर लीजिएगा कि हो रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई करेगा तो दोनों आंसर, नहीं करेगा तो नहीं। सेटिस्फाई करना मैंने आपको बता दिया है, ये वर्ड प्रॉब्लम भी आपको समय लेने वाला है क्योंकि इसमें तो बहुत तरह तरह के क्वेश्चन है, तो इसमें समय हम लोग को तो कुछ देना ही पड़ेगा। समझिए कि 2 घंटा कम से कम जरूरी है वर्ड प्रॉब्लम के लिए, कम से कम 2 घंटा। ये वर्ड प्रॉब्लम का स्टार्टिंग है, तो अगर आधे आधे घंटे की वीडियो होती है तो 4 वीडियो में कम्प्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 2 डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करा दिया, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। अगले टाइप का क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रिलेटेड, अब तो क्वेश्चन लिखने में भी समय लग रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन, इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर, द सम ऑफ द फ्रैक्शन है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 16 बाई 21, फाइंड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, तो नंबर देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन तो टफ होने वाला है इस क्वेश्चन में। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, हम लोग स्टेटमेंट को ही लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल टू ट्वाइस न्यूमरेटर प्लस वन, यही कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ट्वाइस द न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। अब आप इसमें से किसी को भी एक्स सेलेक्ट कर लीजिए, या तो डिनोमिनेटर को या तो न्यूमरेटर को, तो हमने न्यूमरेटर को ही एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो न्यूमरेटर हो गया एक्स और डिनोमिनेटर हो गया 2x+1। समझ गए होंगे, न्यूमरेटर का वैल्यू हमने क्या लिया एक्स, तो न्यूमरेटर के बदले में एक्स पुट कर दिया, तो डिनोमिनेटर 2x+1 हो गया, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर एक्स बाई 2x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है, सम ऑफ फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल, तो फ्रैक्शन है एक्स बाई 2x+1 प्लस रेसिप्रोकल इसका उल्टा हो गया 2x+1/x इज इक्वल टू 2 होल 16 बाई, ये नंबर हम लोग को दिक्कत करेगा कैलकुलेशन में, एलसीएम क्या होगा, एक्स इंटू 2x+1, 2x+1 पहुँच गया एक्स बना एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा 2x+1 का होल स्क्वायर होगा, होल तोड़ा जाए किस दोनों 42 44 58 बाई 20 मल्टीप्लाई किया जाए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट तोड़ रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x² + x 58 बाई 20। क्या विचार है क्रॉस मल्टीप्लाई का, कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 21 से करते हैं, अरे 58 से ही कर लीजिए, बड़ा है 58 2 जा 116 x² प्लस 58x, इसका इसे तो होगा, इसको देखिए x² और 4x² कितना होगा 5x²
को 21 से कर लेते देता हूँ, 105 एक्स स्क्वायर प्लस 21 को 1 से तो 21 प्लस 84x यही होगा, इतना आ गया। अब हम लोग सबको एक तरफ करते हैं, वीडियो लेंथ 30, 116x स्क्वायर माइनस 105 प्लस 58x माइनस 84 माइनस 21 इक्वल टू 0, जैसे घटाइए क्या होगा 11x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36, अभी माइनस में नंबर तो कुछ ठीक ठाक है, मल्टीप्लाई करके 11 इंटू 21 और 26 कैसे आएगा, तो हम लोग 11 21 को क्या तोड़े 3 इंटू 7 में तोड़ दिए, 11 3 जा 36 एक साथ, और 11 3 जा 33 सॉरी 11 3 जा 33 एक साथ और 7, 33 से 7 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, 11x स्क्वायर माइनस 33x और ये प्लस का 7x हो जाएगा, इसमें हम लोग 11x कॉमन लेते हैं, इसमें 7 कॉमन लेंगे। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो आपको आ गया है, अब बताने की जरूरी नहीं है, तो लगता है कि यहाँ से x 3 आएगा और यहाँ से माइनस 7 बाई 11 आएगा, फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये माइनस 7 बाई 11 तो कैंसिल हो गया, x का वैल्यू 3 आया, दिया है तो क्या होगा, इसमें वैल्यू डालेंगे कहाँ निकले, हाँ ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है x बाई 2x प्लस 1, 3 बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 3 बाई 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप, नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद फिनिश करेंगे, इसमें डिफरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, मैं उसे देख लेता हूँ कहीं है कि नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है, नेट कर हम लोग एक क्वेश्चन एज बेस्ड ले लेते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, रिक्वायरमेंट टू वेरिएबल तो हम लोग बनाए हैं, और डेटिक में उसको कैसे बनाएंगे वो देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस, इतना ही करता हूँ, एक बॉक्स और बन जाए क्या, क्वेश्चन बड़ा है लिटल देंगे, फिर मैन इज क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, एट इयर्स हेंस एट ईयर्स हेंस द एज ऑफ द मैन विल बी फोर ईयर्स मोर देन थ्री टाइम्स द रिटर्न्स द एज ऑफ हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यही क्वेश्चन है, बनाना शुरू करते हैं, पहले तो एक्स वाई ले लेते थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन अलग है, अलग सिचुएशन है, तब हम लोग कैसे बनाएंगे, सोचने वाली बात है। देखिए क्या, एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ
एज ऑफ ही सन, तो सन का हमने लिया एक्स, तो मान क्या होगा स्क्वायर का ट्वाइस मतलब टू एक्स स्क्वायर, एज तो मिल गया, ये क्या है परसेंटेज है, क्या है परसेंटेज। अब आगे पढ़िए, एट ईयर्स हैंस आफ्टर, एट ईयर हैंस मतलब आठ साल के बाद जो सन एक्स है वो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एट हो जाएगा, जो मैन टू एक्स स्क्वायर है वो क्या होगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी पे सिचुएशन सेटअप होगा, क्या लिखा हुआ है द मैन विल बी फोर इयर्स मोर देन थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो एक तरफ हमने लिखा मैन का एज, एक तरफ लिखा सन का, मैन जो है विल बी फोर इयर्स मोर देन थ्री टाइम्स द एज, मतलब इसका जो एज है इसके थ्री टाइम्स से ज्यादा है, कितना फोर, तो प्लस फोर कर दिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी फोर प्लस फोर, ये हो गया आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, चौबीस चार अट्ठाईस, आगे घट गया बीस, गुना करके चालीस और माइनस करके तीन, कोई नंबर है क्या, गुना करके चालीस और माइनस करके तीन, बीस दूना चालीस, दस चौके चालीस, आठ पच्चे चालीस ना, आठ और पाँच है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, कॉमन क्या होगा टू एक्स, एक्स माइनस फोर, और ये फाइव कॉमन लेने पर x माइनस फोर इंटू टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, यहाँ से आपको x का वैल्यू फोर आएगा और x का वैल्यू माइनस फाइव बाई टू आएगा, एज कभी भी निगेटिव नहीं होता है इसलिए माइनस फाइव बाई टू क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा फोर होगा x का वैल्यू, तो ये x फोर सन फोर हो जाएगा, तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू, फादर का एज हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, ये उम्मीद करता हूँ, गर्मी बहुत है आप देख सकते हैं कितना पसीना चल रहा है, पूरे कपड़े मेरे भीग गए हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, तो तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखते रहें और रिस्पॉन्स देते रहें।